कांग्रेस के नेता कहते हैं मध्य प्रदेश में कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति का वोट नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। उत्तर प्रदेश के चौकीदार योगी आदित्यनाथ अपने सांप्रदायिक भाषणों के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि वह अब सिर्फ सबका साथ और सबका विकास की बातें करेंगे। कि हमें अगर अच्छा और उज्जवल भविष्य चाहिए, अगर इस देश की आजादी को छिन्न बनाए रखना है तो हमें विकास और सुशासन पर ध्यान देना होगा, और विकास और सुशासन पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि हम जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके देश के विकास के बारे में सोचें। नेशन फर्स्ट की नीति को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तभी सबका कल्याण हो पाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आते हैं योगी उन सब लोगों को गलत साबित कर देते हैं और अपने धर्म की राजनीति को दोबारा उठा लेते हैं। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट ये क्या शोभा देता है? मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। कल एक चुनाव रैली के दौरान योगी फिर से एक बार सभी गलत कारणों से सुर्खियों में आ गए। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। ये पहली बार नहीं कि जब योगी ने अली और बजरंग बली का राग छेड़ा हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अली और बजरंग बली की बात कही थी। हमने भेद नहीं किया, जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव देश के अंदर नहीं किया न करने दिया। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की बात कही। आज मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता कहते हैं मध्य प्रदेश में कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति का वोट नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। पिछली बार भी उनके इस बयान के बाद काफी हाहाकार हुई थी और विरोधियों ने उनकी कड़ी निंदा की थी और चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई थी। खैर, चुनाव आयोग ने तब भी कोई कदम नहीं उठाया और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी से बहुत अच्छी तरह से हाथ झाड़ लेगा, जैसे कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किया भी। आदित्यनाथ, जो कि विवादों में रहने के माहिर हैं, ने हाल ही में भारतीय सेना को मोदी की सेना बता दिया। भारतीय सेना को मोदी की सेना कहकर योगी आदित्यनाथ बुरे फंस गए हैं, विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। योगी के इस भाषण पर उन्हीं की पार्टी के नेता वीके सिंह ने भी असहमति जाहिर की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर
वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। वैसे आदित्यनाथ बजरंग बली की वजह से काफी बार मुश्किलों में फंसे हैं। योगी जी ने तो हनुमान जी को दलित तक बता दिया था, जिसके कारण उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। अब देखिए कैसे बजरंग बली हनुमान पर दिया गया एक बयान योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ गया है। बजरंग बली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, दलित है, वंचित है। पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में हनुमान को वनवासी और वंचित बताया तो बवाल मच गया। शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि सीएम योगी ने पाप किया है। ऐसा है कि भगवान को दलित कहना ये स्वयं अपराध है। वहीं राजस्थान के सर्व ब्राह्मण महासभा ने हनुमान जी को जाति में बांटने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने की मांग की है। जो स्वयं वनवासी है, दलित है, वंचित है। एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी भाषा निरंतर रूप से उपयोग किए जाना हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है। अगर देश में विकास चाहिए तो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम की बेकार की डिबेट से बाहर निकलकर असल मुद्दों की तरफ आना ही होगा। जाते जाते हम आपको योगी आदित्यनाथ की आपकी अदालत में कही गई कुछ बातों के साथ छोड़ जाते हैं, जिनके बारे में आपको ही निर्णय करना होगा कि ये सही है या गलत। लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग भगवा वस्त्र पहन के साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है, आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे, आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है, हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे, लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानून अपराध है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।